भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों ने सीएससी जिला प्रबंधक विकास कुमार और अंशुल यादव के नेतृत्व में आज इस योजना में और गति देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान भारत जागरूकता बाइक रैली को आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी डॉक्टर एन के पांडे ने रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर अजय चौबे ने बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा जारी इस योजना से लोगों को लाभान्वित किया जाना आरंभ हो चुका है, जबकि पात्र लाभार्थी को इसकी सूचना ना होने की अवस्था में लाभ से वंचित ना हो जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जागरूकता का अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर बाइक रैली में सीएससी संचालक अफरोज अली, सुदीप पांडे, शहनवाज खान, ध्रुव सिंह, अमित कुमार, महेश चौधरी, प्रमोद गुप्ता, विनीत श्रीवास्तव, पवन, जिला स्तर के आयुष्मान भारत की टेक्निकल टीम प्रशांत और शशांक मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी डॉक्टर एन के पांडे और स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर अजय चौबे ने कहा, ये कह रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रैली निकाली जा रही है। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स के लोग हैं और ये गांव हर एरिया में जाएंगे बाइक से और वहां लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, क्योंकि इसमें एक स्मार्ट कार्ड बनना है और इसका कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के पास है, तो ये लोग जाएंगे और लोगों को बताएंगे। अभी प्रधानमंत्री जी का पत्र हम लोगों ने वितरित किया है लोगों में, लेकिन लोगों में अभी उतनी जागरूकता नहीं है। हालांकि वो लाभार्थी हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो लाभार्थी भी हैं। एक बार स्मार्ट गोल्ड कार्ड बन जाने के बाद उन्हें यह जानकारी हो जाएगी और वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। कहाँ से कहाँ तक निकलेंगे, इस क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों? ये प्राय वैसे क्षेत्रों में निकलेगी जहाँ की हमारे इस ग्रुप के लोग रहते हैं, सामान्य लोग रहते हैं, जिनका नाम हम उम्मीद करते हैं कि सेक डाटा में है। मैं अजय प्रकाश चौबे सीएससी का स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हूं और सीएससी में ये आयुष्मान भारत योजना आ जाने से अब हम इसको लेकर के प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर को इस सुविधा से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर अब हमारी इस आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को सर्च करने का की सुविधा से युक्त हो चुका है। अब हम प्रत्येक जनसेवा केंद्र के नागरिकों को आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो जनसेवा केंद्रों पे जाके, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपनी सूची, लाभार्थी की सूची में अपना नाम खोजवा लें और वहीं से उनको गोल्डन कार्ड भी बनाए जाने की व्यवस्था की जा चुकी है, जिससे कि वो प्रिंट कार्ड लेकर के और अपनी स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक परिवारजनों को 5 लाख रुपये का इसमें स्वास्थ्य बीमा की कवरेज दी जा रही है। ये योजना हम पूरे भारतवर्ष में लेके आए हैं, जिसमें सीएससी एक अच्छी भूमिका गांव तक पहुंचाने में निभा रही है।